नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक फंडा। स्टॉक फंडा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के बारे में। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ इन द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड पोर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज़ लिंक्ड मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अदानी पोर्ट का जो काम है पोर्ट के मेंटेनेंस को और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखभाल करना और पोर्ट को बराबर काम कर पोर्ट जो भी काम करता है पोर्ट में जो भी काम होते हैं वहाँ पे कोई माल आता है जाता है बाय सी पोर्ट, सी पोर्ट में जो कंटेनर्स आते हैं जाते हैं उन सबको देखना होता है। ये सारा काम करता है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट सिर्फ मात्र हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी है जो कि शेयर इसके लिस्टिंग में है BSE और NSE पे। इसके अगेंस्ट में कोई भी दूसरा शेयर नहीं है जो कि इसको कम्पीट कर सकता हो अदानी पोर्ट। और अदानी पोर्ट के बारे में आपको बता दूं, इसकी अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, अभी दिखाता हूँ आपको मैं इसकी न्यूज़। अदानी एक्वायर इंडियाज लार्जेस्ट मरीन सर्विसेज कंपनी ओशियन स्पार्कल। ये एक दिन पहले की न्यूज़ है, आपको दिखाना चाहता हूँ। ओशियन स्पार्कल लिमिटेड रैंक नंबर वन इंडियाज एंड 11th ग्लोबली प्रोवाइड एंड टू एंड मरीन सर्विसेज। जो मरीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको एक्वायर किया है एक्विजिशन थ्रू THL प्रोवाइड APSEZ प्लेटफॉर्म ग्लोबल एक्सपेंशन। APSEZ एस्पिरेशन बिकम द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर ग्लोबली 2030। 2030 तक ये सबसे नंबर वन पोर्ट हो जाएगा जो कि ग्लोबली काम करता है। और इसका जो बिजनेस है तकरीबन लॉन्ग टर्म कैश विजिबिलिटी ऑन द बैक टू बैक टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट विद एवरेज कॉन्ट्रैक्ट लाइफ 7+ ईयर्स। 7 साल से ज़्यादा के लिए कस्टमर्स के हाथ में ये काम करने का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ अहमदाबाद 22 अप्रैल 2022 अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन थ्रू सब्सिडी अदानी हार्बर सर्विस लिमिटेड हैज एंटर्ड इन टू डेफिनेटिव एग्रीमेंट अक्वायर 100% स्टेक इन ओशियन स्पार्कल लिमिटेड, ठीक है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और दूसरी जो न्यूज़ है जिसको बताने जा रहा हूँ मैं वो भी देखते हैं हम। दूसरी न्यूज़ पे जाएं उसके पहले बता दूँ अदानी पोर्ट को जो CEO हैं वो हैं अदानी पोर्ट के करण अदानी जो गौतम अदानी के बेटे हैं, यही अदानी पोर्ट को जो है देखते हैं ये CEO इनके, ठीक है। करंट प्राइस चल रहा है 874, हाई और लो, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। इसका हाई और लो, इसका हाई जो है 874 और सॉरी करंट प्राइस है 874 और इसका जो लो है ये 638। अभी क्या चल रहा प्राइस, अभी चल रहा 874। और मैं आपको इसका स्टॉक का पी दिखा दूँ, स्टॉक का पी बहुत कम है 34.5 है और बुक वैल्यू 146, डिविडेंड देता 0.57, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14.1, ROE है 17.7, ठीक है। इंडस्ट्री पी कितना है, इंडस्ट्री पी है देखिए, इंडस्ट्री पी है 44, स्टॉक का पी कितना है 34। तो स्टॉक का पी जो है इंडस्ट्री पी से कम है, तो अगर कभी भी स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से कम होता है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं शेयर के ऊपर जाने के, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका चार्ट, देखते हैं इसका चार्ट, देखते हैं हम 3 साल का, ठीक है। इसका चार्ट देखेंगे 3 साल का, 3 साल पहले ये देखिए 10 मई 2019 372 प्राइस था, ये मार्च 2020 मार्च में गिरावट हुई 251 रुपया है, 251 से ये तेज़ी पकड़ी इसने, ये तकरीबन यहाँ तक गया कितना 833 तकरीबन 900 तक गया, 900 के जाने के बाद मैं आपको दिखा दूँ पिछले 1 साल का, ये पूरे 1 साल का चार्ट है। 1 साल पहले इसका प्राइस था तकरीबन ये 874 रुपये, 900 कुछ गया था पीछे, ठीक है 900 प्राइस गया था। उसके बाद ये इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, ये प्राइस एक ही रेंज में चलता रहा, ये 600 रुपये, 700 रुपये, 750 रुपये, 800 रुपये, और अभी इसने लेटेस्ट ब्रेकअप दिया है इसका, ये प्राइस ऊपर चला गया है।
और इसका प्राइस कहाँ पे आया है, इसका प्राइस तकरीबन 900 के आसपास आया है। जब इसका प्राइस 900 क्रॉस करेगा, जब इसका प्राइस 900 क्रॉस करेगा तो ये तकरीबन 1200 से 1500 पे जाके रुकेगा। जैसे ये मूवमेंट देखिए आपने, ये मूवमेंट 350 से लेके कितना मूवमेंट आई यहाँ पे 350 से 675, तो इसकी जो मूवमेंट है इसकी मूवमेंट भी इस तरह रहने वाली है। और ये ज़बरदस्त ब्रेकआउट है, कभी भी कोई शेयर अपने लास्ट हाई को तोड़ता है, ये जो लास्ट हाई इसका, इसको जब तोड़ता है तो डेफिनेटली काफ़ी टाइम बाद इस हाई को तोड़ता है। जब हाई टूटेगा तो जो नेक्स्ट हाई बनेगा वो कम से कम 40 से 50% ऊपर जाएगा यहाँ से शेयर। तो 40% नहीं भी गया, 30% भी गया, तो यहाँ से 1200 से 1300 टारगेट आपको आने वाले 10-15 दिन में मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अदानी पोर्ट पर इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म के लिए करें चाहे लॉन्ग टर्म के लिए करें तो भी आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदे वाला होने वाला है। और मैं आपको दिखा दूँ इसमें एक चीज़ और है, इसमें अदानी पोर्ट, ये देखिए अदानी पोर्ट के साथ में दूसरी कौन सी कंपनी है, मार्कोलाइंस। सिर्फ एक कंपनी है जो उस कंपीट कर रही है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, ये देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2300, 2200, 2300, 2400 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी ज़्यादा है। और नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट में आपको समझ में आएगा, नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली और ईयरली, ये है क्वार्टरली ठीक है, दिसंबर ये देखिए क्वार्टर रिजल्ट है, ये क्वार्टरली में देखिए 1300, 974, अभी लास्ट का कितना था 1472, दिसंबर 2021 तक का है ठीक है। अभी मार्च के रिजल्ट आने बाकी हैं, मार्च के रिजल्ट के आने के पहले पहले ये शेयर ऊपर जाएगा। और इस पर अच्छा प्रॉफिट हुआ अगर क्वार्टरली तो ये शेयर 1500 तक भी जा सकता है ठीक है। अभी देखते हैं इसमें इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इसमें, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है इसमें 65। ये देखिए एक चीज़ आप नोट करें, इसमें शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की इसमें 63.74 थी, इसमें 63.79, 63.83, मतलब इसमें इंक्रीज़ हो रही है, ये भी इंक्रीज़ हो रही है, ये भी इंक्रीज़ हुई है, इसमें 63.83 ये भी इंक्रीज़ हुई है, इसमें मार्च 2022 में 65.55। जब कंपनी अपना माल खरीद रही है तो हम पागल थोड़ी हैं, कंपनी अपना माल खरीद रही है इसका मतलब कंपनी को पता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो हमको भी ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और ये हम देखते हैं इसमें FIIs ने कितना हिस्सा ले रखा है, FIIs ने देखिए FIIs ने काफ़ी माल बेचा हुआ है हमारे NSE BSE पे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15.27 से 14.26, इसमें FIIs की डिमांड जो है तकरीबन उतनी रही है। और DIIs दिखा दूँ आपको मैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, उन्होंने भी यहाँ पे माल नहीं बेचा, यहाँ पे 14.83 से अभी 15.32, मतलब इसमें डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म भी रखेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, शॉर्ट टर्म रखेंगे 2-3 महीने के लिए तो भी फ़ायदा होगा। पब्लिक के पास देखिए, जहाँ भी जिस भी कंपनी में पब्लिक का शेयर होल्डिंग कम होता है वहाँ पे वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग है 4.84%। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे आने वाले न्यूज़ आपको डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।